हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला व्लॉग है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे रिसेंटली अपनी ऑल न्यू थार की डिलीवरी मिली, बट कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कहीं ट्रिप पे नहीं जा पा रहे थे और कोविड के ही रहते मेरी फियांसे दीपिका अपने पेरेंट्स के साथ NCR से अपने गाँव चौंतला उत्तराखंड कुछ टाइम के लिए रहने के लिए चली गई। अब दीपिका का बर्थडे 15 जुलाई को था, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे प्लान बनाया कि क्यों ना उसको सरप्राइज़ दिया जाए। तो मैं और मेरा फ्रेंड विकास चल दिए उत्तराखंड की ओर 14 जुलाई को। ग्रेटर नोएडा से निकलते हुए गूगल मैप्स ने हमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का रास्ता दिखाया, तो हम उस ओर चल दिए। यहाँ पे ये टोल फॉर सम रीज़न फंक्शनल नहीं था। हम पिछले 1-2 साल से ये रूट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी गाँव उत्तराखंड में पड़ता है, तो यहाँ हमेशा टोल देना पड़ता था, बट इस बार ये फंक्शनल नहीं था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एंटर किया, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि इससे पहले मुरादनगर में उतरते थे और वहाँ से हमें वो कैनाल रोड लेना पड़ता था एज अ शॉर्टकट टू अवॉइड दी मेरठ रोड। बट इस बार तो ये एक्सप्रेसवे था और गाड़ी एकदम स्पीड में भाग रही थी। इस एक्सप्रेसवे पे एक और टोल मिला, जो कि अगेन फंक्शनल नहीं था, गुड फॉर अस। और फिर उसके बाद आया तीसरा टोल, रोड साइड पे ये फास्ट टैग्स बेच रहे थे, एंड यस, ये वाला वाज वेरी मच फंक्शनल। जैसे जैसे हम उत्तराखंड की ओर जा रहे थे, मौसम और बढ़िया होता जा रहा था और हमने रास्ते में डिसाइड किया कि हम यहाँ मिडवे पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे खाने के लिए, लॉट ऑफ ब्रांड्स, बट क्योंकि विकास इज़ अ फैन ऑफ मैकडी बर्गर्स, तो हम लोगों ने मैकडी चूज़ किया। मौसम और बेहतरीन होता जा रहा था, बारिश हो रही थी, बट ये भी दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश मिली तो प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हम लोग पहुंच गए उत्तराखंड बॉर्डर के पास, जहाँ पे हम लोग ये थोड़ी सी ट्रैफिक की लाइन देख के सोचने लगे कि यहाँ हो क्या रहा है। हमें कोई क्लू नहीं था, बट क्लू हमें मिलने वाला था जब हमने ये पुलिस वालों को देखा कि वो किस तरीके से उत्तराखंड की गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड हैं वो आगे जाने दे रहे थे और बाकी स्टेट्स की अंदर सेटअप में भेज रहे थे, जहाँ पे सबको कोविड टेस्ट करवाना मैंडेटरी था। और पार्टी को देख रहा है भाई साहब, क्या भीड़ है। मैंने तो परमिशन निकालना है। ये तो गड़बड़ हो गई, खड़ी करनी है हमें या ये ऐसे ही देख के जाने। नहीं भाई, खड़ी करके वहाँ लाइन में लगना वहाँ जाने हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लग गए, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने पहले से RT-PCR नहीं करवा रखा था, क्योंकि हम लोग का ये प्लान लास्ट मोमेंट का था, इसीलिए तो हमें वहाँ पे एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ा और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने पड़े। ऋषिकेश से निकलते ही हमें एक और चेक पोस्ट मिली, जहाँ पे अगेन ये नॉन उत्तराखंड रजिस्टर्ड गाड़ियों को रोक के उनकी चेकिंग कर रहे थे
for COVID reports. क्योंकि ये रूट चार धाम यात्रा के लिए भी जाता है, तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे रोड्स को चौड़ा करने का और उनको बेटर करने का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बट बीच बीच में ऐसे पैचेस भी आ रहे थे जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, बट ओवरऑल रोड्स बहुत बेटर हो गई हैं पहले से। हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि जैसे ही हमने उत्तराखंड एंटर किया, हमें कहीं पे भी बारिश नहीं मिली और हम लोग टाइम से श्रीनगर पहुंच गए, जहां पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया। एंड इट वॉज 15th of July, वेदर एकदम क्लियर था। दीपिका हैड नो क्लू कि मैं ऑलरेडी श्रीनगर में हूँ। फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके हमारा जो प्लान्ड सरप्राइज था, हम उसके लिए चौथला की ओर चल दिए। अच्छी रोड्स के बीच में ये कुछ रफ पैचेस भी आ रहे थे जहाँ पे बारिश के टाइम पर लैंडस्लाइड्स आती हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी और हम लोग इन पैचेस में से क्लियरली निकल गए। अदरवाइज़ जब लैंडस्लाइड आती है तो इन रास्तों से हमें फिर वापस जाना होता है या फिर डीटूर लेना होता है, जो कि बहुत ही लंबा होता है। पहुँचते ही हम लोगों ने चौथला के लिए, जो कि हमारा डेस्टिनेशन था, वहाँ के लिए हमने राइट टर्न लिया और यहाँ से रास्ता काफ़ी पतला हो जाता है बट बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। तो आप लोग भी जस्ट एंजॉय द व्यू।
ले जा, मैं कैसे आऊंगा। चलो चलो आजा आजा। Are you kidding me? Seriously? Happy birthday. कौन है? Oh my god. Seriously, oh my god. कौन है? आपको पता था क्या? बर्थडे सरप्राइज़ व्लॉग ऑन माय न्यू थार। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और यहाँ पे विकास एंड मी वी आर लॉगिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।